सातर अपराधी के एनकाउंटर के बाद भी दुर्ग जिले में अपराधी बेखौफ हैं। लगातार वारदातें हो रही हैं। आपस में इनके एक चाय दुकान में पहले बात विवाद हुआ था। लगातार चाकू और तलवारें चल रही हैं। चाकू मार करके घायल कर दिए थे जिसकी मृत्यु हो गई। ताजा मामला आज सुबह यानी शनिवार सुबह का है। सुबह सुबह पौ फटने के कुछ देर बाद ही कुछ बदमाशों ने एक युवक की जान ली। कुछ बोल के भागा था जो उनको यहाँ सब पीछा करते आए थे। ये जगह सामान्य रोड नहीं है। और वारदात के पीछे की वजह सुनेंगे तो बड़ा ही बचकानी हरकत आपको समझ में आएगी। मोटरसाइकिल जब स्टार्ट नहीं हो रहा था उसी बात को लेकर के लड़के ये हंस दिया। इसी बात को लेकर के इनके आपस में कहासुनी हो गई। पूरा घटनाक्रम इस वीडियो में। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी, आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज फिर दुर्ग जिले में एक बड़ी वारदात हो गई। इस वारदात में एक युवक की जान ले ली गई। युवक जामुल क्षेत्र का रहने वाला था और सुबह करीब 4-5 बजे वो रामनगर क्षेत्र में अपनी बाइक से आया था। बताया जा रहा है कि वो चाय पीने के लिए एक दुकान पर रुका हुआ था। यहाँ चाय पीने के बाद जो है, जब युवक अपनी बाइक स्टार्ट करता है तो उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती, उसमें कोई तकनीकी दिक्कत थी। जब वो बार बार किक मारता है तो वहाँ मौजूद दो युवक जिसमें एक किशोर शामिल है, वो दोनों जो है हंसने लगते हैं। बस यही हंसी जो है एक विवाद का कारण बन जाती है। युवक और दोनों साथियों में, जिसमें एक किशोर है और एक युवक है, दोनों के बीच विवाद होने लगता है। यानी कि जो बाइक स्टार्ट कर रहा है जामुल का युवक, जिसका नाम रोहित सिंह है, उसका उन दोनों एक बच्चा है और एक युवक है, उससे विवाद हो जाता है। विवाद काफी बढ़ता है और बढ़ने के बाद वो जो युवक जो है रोहित सिंह वहां से निकल जाता है। इसी बीच जो है ये दोनों युवक, जिसमें एक किशोर शामिल है, दोनों युवक कहना ठीक नहीं है, लेकिन जिसमें एक किशोर है और एक युवक है, दोनों रोहित सिंह का पीछा करते हैं और पीछा करने के बाद वो रामनगर तालाब के पास उन्हें रोक लेते हैं और वहां उसके ऊपर हथियार से हमला कर देते हैं। हथियार धारदार बताया जा रहा है और इस हमले में जो है रोहित सिंह की जान चली जाती है। अब इस वारदात के बाद एक नई समस्या खड़ी होती है। नई समस्या ये कि चूंकि ये जो जगह है, घटना स्थल है, वो वैशाली नगर थाना और छावनी थाने के बॉर्डर पर पड़ता है। तब यहाँ बताया ये भी जा रहा है, चर्चा ये भी है कि दोनों थानों के बीच में सीमा विवाद भी खड़ा हुआ और दोनों ही थानों की पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इसके बाद स्थिति ये बनी कि एडिशनल SP जो है सुखनंदन बंजारे, उनको कुछ साथियों के साथ मौके पर पहुंचना पड़ा और वहां उन्होंने उस मामले की जांच की। हालांकि बताया जा रहा है कि दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन एक छोटी सी हंसी से शुरू हुआ विवाद मौत के मातम तक पहुंच गया है। इस पूरे मामले में एडिशनल SP क्या बता रहे हैं, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। रामनगर मुक्ति धाम के पास एक हत्या हुई है। आपस में इनका एक चाय दुकान में पहले वाद विवाद हुआ था। उस वाद विवाद को लेकर के इस लड़के का पीछा करते दो युवक यहाँ तक आए थे और जिसको चाकू मार करके घायल कर दिए थे, जिसकी मृत्यु हो गई है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसा कोई नहीं है, जहाँ पर भी कोई संज्ञेय अपराध की घटना होती है तो तत्काल उसको पकड़ा जाता है, तत्काल उस पर कार्रवाई की जाती है। घटना स्थल क्या है वो सेकेंडरी मैटर है, पुलिस की जानकारी में आने से, संज्ञान आने से तत्काल कार्रवाई की जाती है। ऐसा नहीं है, छावनी थाना क्षेत्र ने तत्काल उस पर कार्रवाई कर लिया था और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। ये टेक्निकल इशू रहता है, अगर बाद में भी अगर कोई क्षेत्र अधिकार का मामला बनता है तो उसको आगे पीछे किया जा सकता है। जो पुलिस उपलब्ध रहती है वो कार्रवाई करती है। किस थाने में लॉन्च होगा सर ये? छावनी थाना में अभी FIR दर्ज होगा, उस पे कार्रवाई। अभी जो प्रारंभिक जो पूछताछ आई है उसमें है, मोटरसाइकिल जब स्टार्ट नहीं हो रहा था उसी बात को लेकर के लड़के ये हंस दिया। इसी बात को लेकर के इनमें आपस में कहासुनी हो गई तो ये गुस्से में आ गए और वाद विवाद बढ़ गया, जिससे आकर के इस पर हमला कर दिए। अभी और पूछताछ करेंगे तो उससे खुलासा हो पाएगा कि आखिर ये मृतक और जो आरोपी हैं उनका आपस में कोई संबंध नहीं है, कोई एक दूसरे को जानते नहीं, फिर भी इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दिया, ये जांच का विषय है और इस पर हम अभी पूछताछ करेंगे। इस पर आज ही विचार किया जा रहा है कि जहां पर भी ऐसे कटर बिक रहे हैं और सामान्यतः नाबालिग लोगों को भी ये कटर प्रोवाइड किया जा रहे हैं,
तो इस पर किस प्रकार से रोक लगाई जा सके, या हमारी जानकारी में हो कि किसके पास ऐसे गत्ते काटने के कटर हैं जो चीज दूसरे चीज का उपयोग किया है लेकिन उसको इस तरह के आरोपी घटना में वारदात में उपयोग कर रहे हैं, उस पर भी विचार किया जा रहा है। अभी विस्तृत पूछताछ और कथन लिया जाएगा उनसे, उनके बैकग्राउंड की भी जांच की जाएगी कि आखिर वो इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दी। मृतक ड्राइवरी का काम करता है, अभी प्रारंभिक पूछताछ में ये बात स्पष्ट हुई है, और चूंकि चाय दुकान के आसपास उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था और ये उनको कुछ बोल के भागा था जो उनको यहाँ सख्त पीछा करते आए थे, ये जगह सामान्य रोड नहीं है लेकिन भागने के उद्देश्य से वो इधर ये शॉर्टकट अपना लिया ऐसा प्रतीत होता है। और भी बातें अभी स्पष्ट होनी है जो विस्तृत पूछताछ के बाद क्लियर कर पाएंगे। तो ये थे एडिशनल एसपी जो पूरे घटनाक्रम के बारे में बता रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि दुर्ग जिले में अपराधियों के भीतर पुलिस का या सिस्टम का कोई खौफ नहीं बचा है। हालांकि पुलिस ने एक सातिर बदमाश के एनकाउंटर से बदमाशों के दिलों में खौफ पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बेखौफी के पीछे एक बड़ी वजह नशा भी है जो पुलिस का खौफ बदमाशों के दिलों में पैदा ही नहीं होने दे रहा है। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। तीरंदाज।